Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है WCL Various Trade Recruitment 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए है फ्रेंड्स. इसमें आपको विदाउट एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है. मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आप भी अप्रेंटिस की तैयारी करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो चलो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि WCL क्या होता है. तो फ्रेंड्स, आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेस्ट कोल फील्ड में आपका वेरियस ट्रेड रिक्रूटमेंट आई है. टोटल सीट्स आपका 1191 रखा गया, मतलब 1200 के आसपास आपका सीट रहने वाला है. तो आइए आपको बता देती हूँ पोस्ट नेम, पोस्ट और आपका क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है. सबसे पहला पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का, जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ना ITI करते हैं. इसके लिए आपको 225 पोस्ट रखा गया. उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 224 सीट रखा गया. फीटर की पोस्ट के लिए 222, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए आपको 52 सीट्स यहाँ पे रखा गया है. मैकेनिक डीजल के 42 सीट्स है. एंड उसके बाद फ्रेंड्स, ये सबसे ना बहुत कम लोग करते हैं, जैसे कि वायरमैन, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मैकेनिस्ट, टर्नर, पंप ऑपरेशन कम मैकेनिस्ट, ये ओवरऑल आपको ना 50 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगा. और इलेक्ट्रीशियन से लेके और आपको ये सारे सीट्स के लिए ना 10th पास आउट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा फ्रेंड्स, फ्रेशर ट्रेड्स की आपको वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड के लिए. 60 सीट की वैकेंसी है. आपको 10th पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो. तो चलो फ्रेंड्स, अब आपको बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है. तो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 16 सितंबर 2023 रहने वाला है. तो अगर आप भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो 16 सितंबर का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो आप. और आपका फॉर्म की फी की अगर बात करें तो कोई भी कैटेगरी से हो, अब मेल, फीमेल, फिजिकली हैंडीकैप, किसी से भी कोई फी यहाँ पे नहीं लिया जाने वाला है. एज लिमिट आपका कैलकुलेट होगा 16 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग. फॉर ITI पोस्ट फ्रेंड्स, आपका मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स रखा गया है. एंड आपको वही अदर पोस्ट के लिए ना मिनिमम 18 इयर्स दिया गया, बट मैक्सिमम एज कुछ मेंशन नहीं किया गया. तो टेंशन नहीं लेना, मिनिमम एज 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा. OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का और अदर कैटेगरीज को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है. वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस का 215 पोस्ट है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 सीट्स यहाँ पे रखी गई है. और जैसा कि आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका कोई सा भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा. मतलब कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपका जो ITI में परसेंटेज वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग तैयार होने वाला है. तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अप्रेंटिस का मैं फॉर्म तो अप्लाई कर दूं पर मुझे इससे क्या बेनिफिट होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग यहाँ पे कराया जाता है. तो 1 ईयर के ट्रेनिंग के बाद आपको जो है स्किल सर्टिफिकेट मिलता है. इसका बेनिफिट ये होता है, सबसे पहला बेनिफिट कि आपको गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि रेलवे का जॉब आता है ग्रुप डी वगैरह में, तो आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है. मतलब कि अदर कैंडिडेट्स का 80 पे सिलेक्शन होगा, वहीं आपका 60 पे सिलेक्शन होगा. इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है उसमें अगर आपको अप्रेंटिस का ट्रेनिंग 1 ईयर का है, स्किल सर्टिफिकेट है, तो जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, TCS वगैरह में आपको जो है अच्छी एक पैकेज में जॉब मिलती है. तो अभी के समय में सबसे बड़ा तो ये होता है कि हमें जो एज अपना लिविंग कैसे चलाना है, तो प्राइवेट जॉब ही करना है. अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहने वाला है. तो चलो मैं सैलरी भी आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपने अगर 1 ईयर का ITI कर रखा है तो आपको सैलरी 7700 रुपीज पर मंथ की दी जाएगी.
2 ईयर ITI पोस्ट वालों को 8,050 रुपीज दिया जाएगा, फ्रेशर की पोस्ट वालों के 6,000 रुपीज दिया जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम मैं इतनी कम सैलरी पे मैं क्यों जाऊँ अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लेने। तो देखिए, अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो समझो कि आपका स्ट्रगल पीरियड है, आपको वहाँ पे रहने खाने का भी खुद से इंतजाम करना होगा। बट समझो कि आगे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो और आपको एक अर्निंग का सोर्स भी आता रहेगा। तो मेरे नज़र में तो ये बहुत अच्छा, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करो, अदरवाइज ये तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताया है WCL वेरियस ट्रेड रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सब जॉब अपडेट्स को आप टाइम टाइम पे मेरी वीडियोस को शेयर करते रहना। मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जबरदस्त जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।